दोस्तों, आज हम गन्ने से किस तरह से गुड़ बनता है इसकी प्रक्रिया दिखाएंगे, किस प्रकार बनता है। तो ये गन्ना इस तरह लगा हुआ है, अब यहाँ से गुड़ बनाने की प्रक्रिया चालू है। तो किस तरह से पेराई होती है, कहाँ जाके गुड़ बनता है, कैसे की पूरी विधि आज के वीडियो में दिखाएंगे। आइए, तो पहले जो है यहाँ से गन्ने की कटाई होगी। तो गन्ना तो छील के रखा हुआ है, लेकिन दिखाने के लिए हम दो गन्ना काट लिए हैं। आइए, तो दोस्तों ये गन्ना है जिस तरह से, तो गन्ने को काट कर पहले छीला जाता है। इस तरह इसकी जो पत्तियां हैं, ये छील जाएगी, पत्तियां इस तरह से छील दी जाएगी। ये गन्ने की पत्ती हम छील दे रहे हैं, तो गन्ने की पत्तियां इस तरह से छील जाएगी। और छीलने के बाद पत्तियां, तो ये जो हरा पत्ती बचेगी, ये जानवरों के चारे के काम में आ जाती है। तो इसको काट देते हैं, हरी पत्ती को इस तरह से काट देंगे। ये तो ये जो हरी पत्ती है, ये जानवरों के चारे के काम में आ जाती है। और ये जो सूखी हुई पत्ती है, इस तरह की पत्ती जो निकलती है पत्तियों गन्ने की, ये उसकी जब रस पकाया जाता है तो ईंधन के काम में आ जाता है। आइए, ये गन्ना हो गया, गन्ना हो गया। तो ये कोलू है, कोलू दिखाइए, कोलू है। तो यहाँ पर पेराई होती है गन्ने की। मिस्त्री जा थोड़ा चालू कर दो। तो यहाँ होगी गन्ने की पेराई। रुक दो, रुक दो, अच्छा रुक दो। चालू करा, दोस्तों ये है गन्ने का रस, पेवर और ताजा। तो इस रस को पीने का कुछ अलग ही आनंद है, एकदम ताज़ा रस है। शहरों में सब बेचते हैं, उसमें आधा बर्फ आधा पानी और गन्ने का रस का स्वाद मिलता ही नहीं है। ये पेवर रस गन्ने का है, अभी हम इसको पियेंगे। और गन्ने की पेराई हो गई थी, ये तो हम दिखाने के लिए दो गन्ना पेरे हैं, गन्ने की पेराई हो गई है। तो इधर दिखाइए, तांबी है ना, तांबी कहाँ है, तांबी है, तो ये जो है तामी है, इसको तामी कहते हैं। तो यहाँ से जो है, यहाँ से गन्ने की पेराई होती है। और फिर जब इस आई इधर इस होद में गिरता है गन्ने का रस, जब यहाँ गिरेगा तो यहाँ से ऐसे निकाल के बाल्टी में रख लेंगे, बाल्टी से ले जाके उस करा हमें डालेंगे तब। आइए देखो, तो यहाँ पर गन्ने का रस डालेंगे। अब ये गन्ने का रस यहाँ पर पक रहा है, और कुछ देर में पकते पकते ये गुड़ बन जाएगा। चलो दिखाओ, और देखो यहाँ पर गन्ने की झुका, ये रस की झुकाई हो रही है। ईंधन, ईंधन इधर से झुका जाता है, और उधर से राख जो है, राख निकाली जाती है। आइए राख किधर से निकालेंगे दिखा देंगे। हाँ, इधर फावली वाली होगी, ये फावली टूट गई। इस तरह से फावली होती है, तो फावली को इस तरह से इधर से राख, ये बंधी हुई थी टूट गई है। तो
तो इधर से जो है ये राख निकाल दी जाती है और इधर से जो है ये गन्ने की जुताई होती है। गन्ने के तो ये देखो अलाव अलाव ताप रहे हैं। अच्छा इधर जो है ये जो है ये गन्ने का जो छिलका होता है, गन्ने का रस निकल जाता है, तो ये जो ये वेस्ट निकलता है इसको भी सुखा के वो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और वो जैसे कुछ पत्तियां झुकी जाती हैं, कुछ इसको झुका जाता है, तब जाके वहाँ पर गुड़ तैयार होता है। और जो बच जाता है उसको चूल्हे में भी ईंधन का प्रयोग करते हैं, खाना वगैरह बनाने के लिए तो चूल्हे में ईंधन का प्रयोग करते हैं, और कराब में भी इसको झुका जाता है ईंधन के प्रयोग में सुखा कर। इसी तरह से गुड़ बनता है। अभी ये गुड़ रस जो है पकते पकते कुछ देर बाद गुड़ तैयार हो जाएगा। इसी तरह से इसकी प्रक्रिया है। चलो तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।